The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आपका स्वागत है द डॉन एक्सप्रेस में और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कंगना ने अब क्या नया कदम उठाया है और क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से, लेकिन आपको बने रहना होगा अंत तक द डॉन एक्सप्रेस के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हम आपको बताना चाहते हैं कि देर रात 11 बजे के करीब अमित शाह जी एक बार फिर से एम्स में भर्ती हुए हैं। अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एम्स में ले जाया गया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 31 मार्च को वो एक बार फिर से एम्स से डिस्चार्ज हुए थे। जी हाँ, कोरोना से ठीक होने के बाद अपनी खास देखभाल के लिए वो एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे और 21 अगस्त को, जैसे कि हमने बताया, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। लेकिन कल देर रात फिर से तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एम्स में ले जाया गया है। हम सब कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हों। अब बात करते हैं योगी सरकार की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की, जहाँ पर सीएम ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। दरअसल सीएम ने डीजीपी हेडक्वार्टर्स में एक पत्र लिखा है और उस पत्र में दो बातों के निर्देश सामने रखे हैं। पहली खास बात ये है कि 31 मार्च 2020 को 50 की उम्र को पार किए हुए जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगा। जी हाँ, उनकी कामकाज की समीक्षा की जाएगी और साथ ही उनको लिस्ट बनाने के लिए दी गई है कि जितने भी नाकारा पुलिसकर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते, उनकी एक लिस्ट तैयार करने के भी आदेश दिए हैं ताकि उनकी छटनी हो सके। ये एक अच्छी खबर है जितने भी यूपी में रहने वाले लोग हैं कि हमें भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से छुटकारा मिल सके, इसीलिए योगी सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये निर्देश जल्द ही पालन होंगे और हमें बहुत ही अच्छी पुलिस सामने मिलेगी। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कंगना ने शिवसेना पे पलटवार किया है, लेकिन इस बार शिवसेना ने एक अलग तरीके से मुखपत्र के द्वारा कंगना को नसीहत दी है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो गहमा गहमी का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शब्दों के बाण दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि शिवसेना सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कंगना रनौत का दफ्तर उन्होंने चकनाचूर कर दिया। इस बात पर कंगना ने काफ़ी आक्रोश भी जताया और कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगी और उनको इसका जवाब देना होगा। वहीं आपको बता दें कि मुखपत्र के द्वारा शिवसेना ने कंगना को नसीहत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना को जहां पर रहती है वहां पे रहने वाले लोगों से बैर नहीं लेना चाहिए, यानी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका खुद का घर कांच का है तो वो दूसरों के घरों पे पत्थर क्यों फेंक रही हैं। जी हाँ, अब देखना होगा कि कंगना क्या पलटवार करती हैं, क्या वो इस बात का जवाब देती हैं। अपने सोशल अकाउंट, चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, कंगना लगातार शिवसेना को जवाब दे रही हैं। आपको बताना चाहते हैं कि कोविड-19 की इस महामारी के अंतर्गत भी बच्चे परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज यानी रविवार को NEET 2020 यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए 15 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हो सकते हैं। ये बच्चे वही हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में सरकार से गुहार लगाई थी कि किसी भी तरह से परीक्षा को टाला जा सके, लेकिन सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए। तो आज बच्चे पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ ही एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट में भी अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए शामिल होना होगा और बाहर निकलना होगा। साथ ही बच्चों को मास्क भी अनिवार्य है। सुशांत सिंह मर्डर केस में NCB, CBI और ED लगातार पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इस केस की गुत्थी सुलझाई जा सके। और NCB ने अभी हाल ही में करमजीत सिंह, यानी जो KJ के नाम से बहुत मशहूर हैं पूरे बॉलीवुड में, उन्हें गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से चरस और गांजा भी बरामद किया है। साथ ही एंथनी फर्नांडिस को भी गिरफ्तार किया है। उनके साथ साथ दो ड्रग पेडलर्स को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिनके पास से 500 ग्राम गांजा उन्होंने बरामद किया है। सुशांत सिंह की मर्डर के बाद से
ये मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका है। देश का हर एक नागरिक उनको इंसाफ दिलाना चाहता है। आपको बता दें कि शुहेब अख्तर, जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज के रूप में बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने बेबाकी तरीके से एक बयान दिया है अपने एक हाल ही के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि भारत भले ही उनका दुश्मनी मुल्क है, लेकिन वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की किसी भी तरीके से बुराई नहीं कर सकते। जी हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से एक महान बल्लेबाज है विराट कोहली, उन्होंने 12,000 रन अब तक पूरे कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी जिस तरीके से मारी, उस हिसाब से वो किस तरीके से उनकी बुराई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत भले ही उनका दुश्मन मुल्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय खिलाड़ियों की, जो महान है, जो अच्छा खेलते हैं, उनकी आलोचना करें। उन्होंने कहा कि वो अपनी खुद की टीम की भी आलोचना कर चुके हैं। जो उनको सही लगता है वो वही बोलते हैं, और जो उनको गलत लगता है वो उसको भी नहीं छोड़ते। कोविड-19 वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े इस बार वॉशिंगटन की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के सामने रखे हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटी की माने तो 286 करोड़ लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है जो वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सिटी ने हर किसी के सामने रखा है। हम सब जानते हैं कि इसमें सबसे पहला देश जो महामारी से संक्रमित है वो खुद US है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, उसके बाद ब्राज़ील का, उसके बाद पेरू का। जी हाँ, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ डॉन एक्सप्रेस में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सभी बहुत ही सावधानी बरतिएगा। जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोरोना महामारी से हर कोई परेशान है, चाहे वो देश हो या फिर देश में रहने वाले नागरिक। और ऐसे में जहां पर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो टीवी कलाकार और फिल्म जगत से जुड़ी कई नामी ग्रामी हस्तियां कोविड की चपेट में आ चुके हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर जूनियर बच्चन। और अब टीवी कलाकार की बात करें तो पहले पार्थ, जो कसौटी जिंदगी में लीड रोल निभा रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हालांकि वो ठीक हो चुके हैं। और अब राम सिया के हिमांशु सोनी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित थी और इसी कारण वो भी कोरोना पॉजिटिव हाल ही में खबरों के अनुसार पाए गए हैं। कई दिनों से मैं आपके लिए आईफोन से रिलेटेड नई नई अपडेट्स लेकर आ रही हूँ, लेकिन आज भी एक खास अपडेट लेकर आई हूँ, और वो ये है कि आईफोन 12 की लॉन्चिंग डेट 15 सितंबर है। तो जो लोग जितने भी एक्साइटेड हैं आईफोन को अपने हाथ में रखकर यूज़ करने के, वो बस कुछ दिन का इंतज़ार और कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक और बात ये है कि आईफोन को लेकर जहाँ पर लोग इतने उत्सुक हैं, वहाँ पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आईफोन के फीचर्स को पहले ही लीक कर चुके हैं। जी हाँ, अगर मैं आईफोन 12 की बात करूँ तो एवरीथिंग एप्पल प्रो नाम का एक ट्विटर हैंडलर है जिसने लॉन्चिंग वीडियो पहले ही लीक कर दी है। अगर उस वीडियो को सच माने तो इस बार का आईफोन 12 6.1 इंच का होगा। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डॉन एक्सप्रेस में आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि ओरिजिनल वीडियो देखिएगा जब लॉन्च होगा 15 सितंबर को। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार दो पहिया व्हीकल को लेकर नियमों में बदलाव कर रही है ताकि यातायात को लेकर लोगों की सुरक्षा में और इजाफा हो सके। अब नए नियम के अनुसार बाइक वालों के लिए और स्कूटी वालों के लिए कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं। उनमें से एक नियम ये है कि ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड्स होंगे ताकि जो पीछे बैठने वाला है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके, और साथ ही जो पीछे बैठने वाला है उसके दोनों तरफ भी पायदान ज़रूरी होने चाहिए ताकि वो आराम से और सुरक्षा के साथ दो पहिया व्हीकल पर बैठ सके। तो जितने भी दो पहिया व्हीकल को यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगली बार जब भी आप टू व्हीलर अपनी स्टार्ट करेंगे तो इन नियमों को खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं द डॉन एक्सप्रेस के साथ, और हम आपको बता दें कि लेटेस्ट खबरों के लिए जहां आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, वहीं आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही शेयर भी कर सकते हैं। से आभार, डेली हंट, डेली न्यूज़। नमस्कार।